दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी मूवी जो आप IDM से डाउनलोड कर रहे हो, उस मूवी के डाउनलोड खत्म होने से पहले ही आप कैसे उस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, हम यूट्यूब में से कोई भी एक मूवी डाउनलोड करेंगे। ये पहले ही आ गई, यही कर लेते हैं रीजे। और अगर दोस्तों आपको मालूम ना हो कि YouTube में से वीडियोस या फिर पूरी प्लेलिस्ट या पूरे चैनल के सभी वीडियोस कैसे डाउनलोड करने हैं, तो उस पर मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये क्योंकि मैंने ये SS का सेफ रोम का एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ही डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। ये हमने किया डाउनलोड विथ IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। अब ये शुरू हो जाएगा। मैंने दूसरा भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे ऑनलाइन मूवीज और टोरेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपको मूवी तभी की तभी देखनी होती है, लेकिन पता है ना हमारे इंडिया में नेट की स्पीड कितनी कम है, इसलिए ये शायद घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ले लेता है डाउनलोड करने में। लेकिन इस ट्रिक से आप मूवी डाउनलोड होती रहेगी और साथ ही साथ में आप इसे देख भी सकते हैं। पहले इसे 20 से 30% होने दीजिए, तब तक ये कुछ 30-40 मिनट की डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद आप इसे डाउनलोड देखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप 20-30 मिनट तक पहुंचेंगे, तब तक ये 1 घंटा 1.5 घंटा चल डाउनलोड हो चुकी होगी। इस तरह से आप मूवी को डाउनलोड होते होते उसके साथ ही देख सकते हैं, सो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। लेकिन हाँ, ये सिर्फ IDM के साथ ही वर्क करेगा। मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया है कि FDM, वो भी बहुत अच्छा डाउनलोड मैनेजर, उसके साथ भी होगा शायद, मुझे मालूम नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगा फ्यूचर में दूसरे वीडियो में। तो चलिए अभी IDM का देखते हैं। स्पीड घटा देता हूँ वरना ये जियो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है कि 1 घंटा और 46 मिनट लगेगी डाउनलोडिंग में, लेकिन अब बस कुछ देर वेट कीजिए। जैसे ये यह परसेंटेज दिखा रहा है, 20 या 30% हो जाए तभी आप डाउनलोड देखना शुरू कर दीजिए, और साथ ही साथ में ये डाउनलोडिंग भी होती रहेगी, आप देख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये जो सब फाइल्स होती है जो डाउनलोडिंग होती रहती है, या फिर कभी वो रिनेम करने प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो फाइल नहीं दिखाता, एरर दिखा देता है, वो सभी फाइल यहाँ पे स्टोर होती है। पहले आप यहाँ व्यू में जाके हिडन आइटम्स इस पे क्लिक कर देना, ताकि ये हिडन फोल्डर्स को दिखाए। यहाँ सी ड्राइव में जाइए, उसमें यूज़र्स, उसमें जो भी जिस भी नाम पे आपने अकाउंट बनाया है इस PC पे, आपके PC पे, उस पर क्लिक कीजिए जिस अकाउंट में अभी आप लॉगिन है वो। मेरा ये है, मेरा नाम रमेश। उसके बाद यहाँ ऐप डेटा, ये हिडन फोल्डर होगा, इसलिए आपको ये हिडन आइटम्स पे क्लिक करना होगा। अब ये ऐप डेटा में, उसके अंदर रोमिंग, और उसमें ये IDM, उसमें डाउनलोड डेटा एक्सेलरेट, और ये रहा। ये सब फोल्डर्स IDM के बने हुए हैं, इनमें से जो भी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी होगी उसमें आपको सिर्फ ऐसा ही लॉग फाइल देखने को मिलेगी, जिसमें ये सब यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई होती है कि कब डाउनलोड शुरू हुआ था, कब कितनी स्पीड थी, कब पुश हुआ था, फाइल का नाम क्या है, URL किस URL से डाउनलोड हुआ था, वो सब, और बहुत कुछ एक्स्ट्रा सब डिटेल होगी।
और जो फर्स्ट डाउनलोड नहीं हुई होती है या फिर हम कैंसिल कर देते हैं, उन सभी का भी डेटा यहाँ पर होता है। जैसे कि देखना है, हाँ ये देखिए, ये शायद मैंने कोई वीडियो कैंसिल कर दिया होगा इसलिए इसके ये सब टुकड़े टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, 30 MB के टोटल। यहाँ पे जाके हम इसका नाम भी देख सकते हैं, 43। देखिए ये वही है डीजे जो मूवी हमने डाउनलोड में रखी थी, वही अभी 30 MB डाउनलोड हुई है। जैसे 20-30 MB होगी तब उसे ये एक वीडियो फाइल बना देगा और तब जाके आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, पहले मैंने ये मूवी डाउनलोड की थी जग्गा जासूस, और इसे मैं यहाँ से कॉपी करना भूल गया हूँ। इसे मैंने यहीं पे देखा था ऐसे ही, फिर डाउनलोडिंग शुरू कर दिया, फिर कुछ 20-30% हुआ था डाउनलोडिंग और तब वो इसे एक ही फाइल बना देता है जो टुकड़े टुकड़े होते हैं उनमें से कनेक्ट, उन सभी को कनेक्ट करके और उसके बाद आप इसे चालू शुरू करके देख सकते हैं। जैसे ही आप देखते जाएंगे वो डाउनलोडिंग होता जाएगा और ऐसे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बस ऐसे ही। तो दोस्तों यही था छोटी सी ट्रिक आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय बचाने के लिए। और अगर ऐसे कुछ ट्रिक्स सीखनी हो या फिर कोई भी आपके कुछ और सवाल हो जिसके आपको आंसर चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वो सब मुझे पूछना जो भी आपके सवाल हो। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और हाँ दोस्तों, ये अगर आपके पास IDM ना हो तो आपको मालूम ही होगा सबसे बेस्ट डाउनलोड मैनेजर यही है IDM, और इसका लेटेस्ट वर्जन 7.1 मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे डाउनलोड करना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, मैं इस वीडियो के अंत में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा।